सो हाय एवरीबॉडी, ये पार्टनरशिप फंडामेंटल की हमारी सीरीज चल रही है. ओके, और इसमें हमारा ये थर्ड वीडियो है. ओके, सो पार्टनरशिप फंडामेंटल का हमारा तीसरा वीडियो है. पहली वीडियो में हम डीड डिस्कस कर चुके हैं कि डीड होगी तो क्या करेंगे, नहीं होगी तो क्या करेंगे, पहला वीडियो देख लो. दूसरा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा और उसमें क्या क्या आएगा तो वो भी मैं समझा चुका हूँ, दूसरा वीडियो देख लो. आज हमारा बेसिकली तीसरा वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. ओके जी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या? अब ड्रॉइंग बेसिकली जो है, मान लो कोई पार्टनर है, वो ड्रॉइंग कर रहा है. अब ड्रॉइंग कर रहा है तो वो एक मतलब अच्छा समझदार इंसान हो सकता है और एक चूतिया हो सकता है. तो अगर समझदार इंसान है ना तो वो रेगुलर ड्राइंग करेगा. रेगुलर मतलब फिक्स कर लेगा कि एक महीने की, मतलब रेगुलर का मतलब है कि दो चीज़ें फिक्स कर लेगा कि एक फिक्स अमाउंट निकालेगा हर महीने, है ना, या हर महीने, हर क्वार्टरली, हर हाफ ईयरली, ऐसा कुछ भी एक फिक्स टाइम पर निकालेगा. फिक्स टाइम होगा, पहली बात क्या होगी, फिक्स टाइम होगा. दूसरी बात, फिक्स अमाउंट निकालेगा वो, कि प्रॉपर की मुझे ध्यान रहे मैं हर बार निकालूंगा सिर्फ 2000 रुपये निकालूंगा. मतलब बिजनेस से वो बंदा पैसा निकाल रहा है तो रेगुलर होने का मतलब ये है कि वो फिक्स अमाउंट और फिक्स टाइम पे निकालेगा. एक फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम पे लगा निकालेगा तो ओके जी, ठीक है, ऐसा कुछ है. और दूसरा हो सकता है इररेगुलर. इररेगुलर का मतलब वो बंदा कभी भी कुछ भी कितना भी पैसा निकाल रहा है, ना तो टाइम फिक्स है कि कब निकाल रहा है, ना फिर अमाउंट फिक्स है कि कब निकाल रहा है. तो ऐसे केस में जब कुछ भी फिक्स नहीं है तो इसमें थोड़ा सा लेंथी तरीका होगा. अगर ये रेगुलर है कि हमें पता है कि वो फिक्स टाइम और फिक्स टाइम अमाउंट निकाल रहा है तो ये वाला ज़्यादा आसान होगा. तो पहले इररेगुलर वाले को डिस्कस करते हैं. ओके, ठीक है, नोट करते रहना जहाँ जहाँ ज़रूरत हो. तो इररेगुलर वाले में क्या होएगा? ओके, इररेगुलर वाले में क्या होएगा? इररेगुलर में होएगा, मान लेते इररेगुलर. अब जैसे मान लो इररेगुलर ड्राइंग की बात चल रही है हमारी, इररेगुलर ड्राइंग की बात चल रही है कि नहीं? राइटिंग को मत कंसिडर करना कि राइटिंग में क्या लिख रहा हूँ यार, उड़ा उड़ा के लिख रहा हूँ. ओके, इररेगुलर है. इररेगुलर मतलब मान लो जैसे 1 अप्रैल 2020 को हमारा साल शुरू हुआ, तो ये कब खत्म होएगा जी? ये होएगा 31 मार्च 2021 को साल खत्म होगा. मान लो किसी बंदे ने 1 अप्रैल 2020 को ही 1000 रुपये निकाले, ठीक है जी. फिर उसने निकाला, मान लो 1 जुलाई को निकाला, फिर मान लो 1 जुलाई को 2000 निकाला, तो अमाउंट अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है. फिर मान लेते हैं जी उसने 31 जनवरी को निकाला, 31 जनवरी कभी भी कुछ भी निकाल रहे हैं ना डेट, 31 जनवरी को 3000 निकाले. तो अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है इररेगुलर निकालेगा तो हमारे पास बेसिकली इररेगुलर में दो तरीके होते हैं, एक तो सिंपल और एक प्रोडक्ट. दोनों में समझाऊंगा आपको बहुत तसल्ली से, प्यार से, आप ध्यान से देखते रहना बस. सिंपल और प्रोडक्ट मेथड. सिंपल मेथड में क्या होगा कि भाई जैसे 1000 रुपये निकाला, अब इस 1000 रुपये कितना, ये जो 1000 रुपये उसने कितने महीने यूज़ किया, क्योंकि 1 ही तारीख को निकाला, साल खत्म हो गया तो पूरे साल बाहर रहे ना, तो यानी ये 12 महीने यूज़ हुए. तो 1000 गुना जो भी रेट है, मान लो 10% हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो 10/100 हो गया, और गुना पूरे 12 महीने, 12 में से 12 महीने, यानी 12/12 एक हो जाएगा, तो यानी 1000 पे 10% पूरे साल का ब्याज लग जाएगा. अब मान लो जैसे 2000 है, तो 2000 का क्या करें जी? 2000 का क्या कर दें कि मान लो कि 10% तो है ही, तो 10/100 हो गया, गुना ये दो, 1 जुलाई को निकाला. अब 1 जुलाई से आप टाइम काउंट करो यार, कितना हो गया साल कंप्लीट होने में, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, है ना, कितने हो गया, सॉरी मैं गिन नहीं पा रहा हूँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 9 महीने हो गए शायद, है ना. तो 9 महीने, तो 9 महीने 9/12 कर देंगे हम, 9/12 कि 9 हो गया. अब मान लो जैसे 31 जनवरी को निकाल रहा 3000, तो रेट तो वही है 10/100 गुना, अब यार जनवरी को निकाला तो फरवरी और मार्च 2 ही महीने रह गए बस, है ना, तो 2/12. तो ऐसे यानी कि अगर कोई बंदा इररेगुलर ड्राइंग करता है, मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग पैसा निकालता है, तो सिंपल मेथड क्या कहता है कि जैसा हमने बचपन में 8th 9th में सीखा हुआ है कि इंटरेस्ट निकालो, वैसा ही निकालेंगे. कैसे? कि महीना देखेंगे कितने महीने वो पैसा यूज़ हुआ है, तो रेट तो है ही है, अमाउंट इनटू रेट बटे 100 और इनटू जितने भी महीने वो यूज़ है, 12 महीने तो 12 और 9 महीने तो 9/12, 2 महीने तो 2/12 और सबका टोटल कर देंगे तो पूरे साल का उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा. तो सिंपल वाला तरीका है. दूसरा प्रोडक्ट वाला तरीका क्या कहता है जी? प्रोडक्ट वाला तरीका कुछ ऐसा है. अब प्रोडक्ट मान लो कि जैसे उसने 1000 निकाला, 1 अप्रैल को निकाला था, 12 महीने यूज़ हुआ, तो इनटू 12, इसको 12 से गुना कर दो. फिर उसने 2000 निकाला, है कि नहीं, 2000 कितने महीने यूज़ किया उसने, 9, तो इनटू 9 कर दो. फिर उसने आई थिंक 3000 निकाला था, है ना, पिछले वाला ये स्लाइड वाला, और इनटू 2 महीने यूज़ है तो 2 से गुना कर दो. यानी कि हमने जितने महीने वो यूज़ कर रहा है उसको प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट गुना कर दिया. प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब गुना, यानी मंथ है और अमाउंट है, तो मंथ और अमाउंट को हमने गुना कर दिया तो प्रोडक्ट आ गया. यानी कि 12 गुना 1000 तो 12000 हो गया, ठीक है, 9 गुना 2000 तो 9 दुनी 18000 हो गया, ठीक है जी, और 3 दुनी 6000 हो गया, ठीक है. सांस ले लो, थोड़ा धीरे धीरे बोल लो. अभी जो भी पैसा आ गया, टोटल अमाउंट आ गया कितना, आ गया जी 12 18 30
और 30 और 36 हज़ार आ गया, तो 36 हज़ार लिखेंगे हम, 36 हज़ार गुना वही जितना भी रेट अपॉन 100, तो रेट था हमारा 10%, तो 10/100 गुना गुना अब हम क्या करेंगे 1/12, गुना हम क्या कर देंगे 1/12 करेंगे हर बार, एवरेज ले लेंगे क्योंकि हमने 12 उसको हर अमाउंट को 12 बार गुना कर दिया है, मतलब हर अमाउंट को महीने से गुना कर दिया, लेकिन पैसा तो एक ही बार निकाला गया है, तो इसलिए लास्ट में हम 1/12 कर देंगे, यानी एक महीने का एवरेज ले लेंगे क्योंकि आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, तो ये प्रोडक्ट मेथड में इस तरीके से आपका आ जाएगा। ये ध्यान रखना, बस 1/12 ले लेंगे, लॉजिक समझा सकता हूँ लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना कि 1/12 आप इसे ले लोगे तो आपका काम बन जाएगा, तो ये प्रोडक्ट मेथड खत्म हो गया। तो यानी इररेगुलर ड्राइंग होगी, तो ठीक है जी दोबारा मिटा देते हैं इसे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इररेगुलर ड्राइंग है क्या है, इररेगुलर ड्राइंग है क्या है, इररेगुलर ड्राइंग है कभी भी कितना भी पैसा निकाल रहा है, तो उसमें बेसिकली दो मेथड हमारे पास, पहला है सिंपल और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड, पहला है सिंपल और दूसरा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सिंपल मेथड क्या कहेगा कि जितना भी अमाउंट अलग अलग निकालो, प्रोडक्ट मेथड क्या कहेगा कि सबको जितने भी मंथ्स हैं उनसे गुना कर दो, लास्ट में टोटल ले लो और 1/12 का निकाल लो, है कि नहीं, समझ में आ गया होगा, आइए उसको नोट करते रहना यार, ठीक है। अब दूसरा जी अगर वो रेगुलर निकालता है, दूसरा क्या है कि रेगुलर है, रेगुलर का मतलब है कि रेगुलर मतलब कि वो एक फिक्स अमाउंट निकाल रहा है, अमाउंट फिक्स है और क्या है, अमाउंट फिक्स है और क्या है, टाइम भी फिक्स है, क्या है, टाइम भी फिक्स है, अमाउंट भी फिक्स है और क्या है, टाइम भी फिक्स है। मान लेते हैं कि जैसे मंथली उसका फिक्स है कि मंथली निकालेगा, हो सकता है कि क्वार्टरली निकाले, हर 3 महीने में निकाले, हो सकता है हाफ ईयरली निकाले, ठीक है, हो सकता है एनुअली निकाले, तो मंथली यानी हर महीने निकाल सकता है, हर 3 महीने में निकाल सकता है, हर 6 महीने में निकाल सकता है, ऐसा कुछ भी फिक्स कर ले। अब महीना, महीने में भी 3 चीज़ें फिक्स करता है कि स्टार्टिंग में निकाल ले, बिगनिंग में निकाल ले, मिड में निकाल ले, हर महीने के मिड में निकाल ले और हर महीने के एंड में निकाल ले, ऐसा ही क्वार्टर में भी हो सकता है, क्वार्टर की बिगनिंग में, क्वार्टर के मिड के, क्वार्टर एंड, ऐसा ही हाफ ईयर में भी हो सकता है। ओके, मान लेते हैं हर महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहा है, मान लो जैसे 1 अप्रैल को निकाला उसने 1000 रुपये, फिक्स था ना 1 अप्रैल के बाद, अप्रैल मई, 1 मई को निकाला, 1 जून, 1 जुलाई, है ना, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, तो 1 मार्च लास्ट निकालेगा, 1 मार्च, ऐसे हर महीने की 1 तारीख को क्या कर रहा है, वो निकाल रहा है 1000 1000 रुपये, तो टोटल कितना हो गया, 12000 निकाला, 12000 निकाला, ठीक है, तो पूरे महीने में 12 बार निकाला तो 12000 हो गया हर महीने एक एक करके। ध्यान दो कि अब इस पर कैसे करें, हम इस पर इंटरेस्ट कैसे लगाएं, तो इंटरेस्ट कैसे लगाएं कि आप ये ध्यान दो कि जो 1 अप्रैल को निकाला है उसने, 1 अप्रैल को 1000 रुपये निकाला है, ये तो 12 महीने यूज़ हुआ, 12 मंथ यूज़ हुआ, जो 1 मार्च को निकालेगा वो 11 मंथ ही यूज़ हुआ, फिर ये 10 महीने यूज़ हुआ, फिर ये 9 महीने यूज़ हुआ, है कि नहीं, फिर ये ओके बैटरी आई थिंक लो हो रही है, फिर ये 8 महीने यूज़ हुआ, फिर 7 महीने यूज़ हुआ, ऐसे करके ये सारा, ये लास्ट वाला पैसा 1 मार्च को निकाला तो वो 1 महीने यूज़ हुआ, तो यानी अगर हम इन सारे महीनों को जोड़ लें, इन सारे महीनों को जोड़ लें, है ना, और जोड़ लें और टोटल 12 महीने हैं तो 12 से डिवाइड कर दें, है कि नहीं, तो सारे महीनों को जोड़ने में हमारा पास कितना आ जाएगा, 1 से लेके 12 तक का टोटल करना है, यानी 1 12 × 13/2, है ना, 1 से लेके हमें 12 तक का, अच्छा 13 6 78 हो गया, यानी टोटल 78 मंथ हो गए हमारे पास, टोटल 78 मंथ हो गए, 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 6 72 6.5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, यानी ऑन एन एवरेज हर पैसा 6.5 महीने यूज़ हुआ है, ऑन एन एवरेज हर पैसा 6.5 महीने हुआ है। सर ये कैसे हो गया कि भाई हमने महीने जोड़ लिए ना सारे, 12 11 10 9 8 7 सारे महीने जोड़ लिए, सारे महीने जोड़ के कितने हो गए, 78 महीने हो गए, 78 को हमने 12 से डिवाइड कर दिया तो हर अमाउंट ऑन एन एवरेज 6.5 महीने यूज़ हुआ है, यानी ये 1000 12 महीने यूज़ हुए थे, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये 1000 6.5 महीने यूज़ हुआ, ये 1000 भी 6.5 महीने यूज़ हुआ, ये 1000 भी 6.5 महीने हुआ, ये 1000 भी 6.5 महीने यूज़ हुआ, तो आसान हो गया ना, मतलब हमने एवरेज ले लिया, है ना, तो ओके ठीक है। तो जैसे सब महीनों को जोड़ के आपने 12 से डिवाइड किया, एवरेज आप ऐसे भी ले सकते थे कि इधर से 12 जोड़ो और इधर से 1 जोड़ो, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर दोगे तो भी 6.5 ही आएगा, एवरेज आएगा, 12 और 1 को जोड़ो तो 13 हो जाएगा, 13 का आधा करो तो 6.5 आएगा, तो एवरेज आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यानी इस केस में अगर हर महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहा है तो वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फॉर्मूला तो वही है कि टोटल अमाउंट, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 और इनटू कितना टाइम, टाइम का मतलब यहाँ पे मंथ हो गया, एवरेज मंथ, तो इसको हम एवरेज पीरियड भी बोल सकते हैं, और अपॉन 12। अब ध्यान से देखें तो हर महीने 1000 1000 निकाल रहे थे तो टोटल 12000 हो गया, 12000 गुना रेट कितना था, 10/100 हो गया, है ना, और गुना एवरेज पीरियड यानी जो हमने पीछे निकाला 6.5, तो 6.5/12, तो ये ऐसे करके सारा जो भी हमारा है वो आ जाएगा, ठीक है। और ये एवरेज पीरियड कैसे निकालें, तो एवरेज जो पीरियड है वो कैसे निकालोगे, तो ये ऐसे निकालोगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, है ना, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और अपॉन में 2, यानी जैसे
पहली ड्राइंग के पास, उस पहली ड्राइंग करने के बाद उसके पास 12 महीने बचे थे, और लास्ट ड्राइंग करने के बाद उसको एक महीना बचा था साल कंप्लीट होने में, तो 12 और एक 13, 13 का आधा कर दिया आपने, ये 6.5 आ जाएगा। ऐसे ही हर केस में आप निकाल लोगे, 6.5 आ जाएगा। ऐसे हर केस में आप एवरेज पीरियड निकाल लोगे, बाकी फॉर्मूला वही रहने वाला है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बाकी ठीक है यार, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं इसको और आगे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो शेयर वगैरह कर देना, लाइक सा कुछ अच्छा लगे बुरा लगे तो वो कमेंट में मुझे बता देना, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, और क्या चाहते हो आप मेरे से, तो वो भी सब मैं कर दूंगा। थैंक यू मच, टाटा गाय, ओके।